बढ़ेंगे आगे। 2022 को लेकर के यूपी कांग्रेस ने एक बड़ा चुनावी वादा किया है। इसमें स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने का वादा किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सरकार बनने पर स्मार्टफोन और स्कूटी दी जाएगी, यह वादा प्रियंका गांधी ने किया है। लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी कांग्रेस पार्टी देने वाली है। इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन देने की घोषणा की गई है और प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके इस बात की घोषणा की है। इसके अलावा स्नातक जो लड़कियां कर चुकी हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की भी घोषणा की गई है। यूपी कांग्रेस की घोषणा समिति ने यह फैसला लिया है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ा ऐलान किया गया है, एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रियंका गांधी की तरफ से। ये ट्वीट आप देख रहे हैं कि किस तरीके से घोषणा समिति की तरफ से ये घोषणा करी गई और उसका ट्वीट प्रियंका गांधी ने किया है कि इंटरमीडिएट पास जो बच्चियाँ हैं उनको स्मार्टफोन और इसी के साथ जो स्नातक पास कर चुकी लड़कियां हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। जाहिर बात है कि एक बड़ा ऐलान किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज घोषणा के संबंध में। इसी पर बातचीत करेंगे। खुर्रम निजामी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। खुर्रम, बड़ा ऐलान हम इसको कह सकते हैं क्योंकि पहले हम देखते हैं कि प्रियंका गांधी कहती हैं कि 40% टिकट हम महिलाओं को देने वाले हैं, फिर अब घोषणा जो कर रही हैं उसमें ये भी कह रही हैं कि जो बच्चियां इंटरमीडिएट पास हो रही हैं उनको हम स्मार्टफोन देंगे, जो स्नातक पास कर लेंगे उनको हम इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देंगे। कैसे देख रहे हैं ये एक के बाद एक जो बड़े ऐलान किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी की तरफ से? खुर्रम, देखिए प्रियंका गांधी ने आधी आबादी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश शुरू कर दी है। पहले कहा कि 40% वो उनको टिकट देंगे चुनाव के लिए, जो 2022 का चुनाव है तो 100 के ऊपर वोट तो महिलाओं चला जाएगा। दूसरी बात, अब कहा अगर हम पास हो जाते हैं तो स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे, महिलाओं जो छात्राएं होती हैं उनको देंगे। तो ये बताता है कि अगर आधी आबादी को अपने कंट्रोल में कर लें, यानी कि महिला को अपनी आप उसमें कर लें, अपने अपने तरफ चीजें आकर्षित कर सकते हैं, तो आपके जो जो सफर है, जो रण है, काफी आसान हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है ना कि आधी आबादी उस हो जाएगा, क्योंकि एक महिला बहुत इफेक्टिव होती है अपने घर में वोट को तब्दील कराने में, अगर वो पढ़ी लिखी समझदार होती है तो। और यही चीज प्रियंका कर रही है, वो ये बता रही है कि जो भी कर रहा है, क्योंकि महंगाई से ज्यादा व्यथित कौन होता है, महिला घर जो बीते बजट होता है वो बिगड़ जाता है। तो एक तरफ तो उन्होंने जो नाम लिया कि मैं इन लोग क्लिक कर रहा हूँ, देखिए एक झूठ और किया था, इन्होंने तो महिला पुलिसकर्मी थी जिनको डिटेन कर रखी थी उनके साथ सेल्फी को लेकर उन्होंने ट्वीट किया था, मालूम चल रहा है कि मुख्यमंत्री को नागवाह गुजरा उन पर एक्शन ले सकते हैं, तो मुझ पर भी एक्शन लीजिए क्योंकि मैं भी उनके जुर्म में सहयोगी हूँ। तो ये बताता है कि किस तरीके से उन्होंने कार्ड खेला है, फेमिनिन कार्ड खेला है प्रियंका गांधी ने, और कितना कामयाब होगा ये तो 2022 के नतीजे बताएंगे। लेकिन इफेक्टिव जरूर है, इसलिए कि समाजवादी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि जो उनकी महिला कार्यकर्ता है वो घर घर जाएंगी महंगाई को लेकर के और बताएंगे कि समाजवादी पार्टी को महंगाई के इश्यू पर सरकार मारना चाहिए। लेकिन उससे पहले ही प्रियंका गांधी ये कार्ड चल चुकी है और बखूबी खेल भी रही है। और जैसे सर पहले कहा 40% वोट 40% जो टिकट होंगे, जो प्रत्याशी होंगे वो महिलाएं होंगी। तो अब जो स्कूटी और लैपटॉप बांटने की बात कर रही है, तो ये बताता है कि वो ना सिर्फ महिलाएं मैनेजमेंट कर रही हैं, बल्कि जो अपोजिशन खेमा है, यानी जो उनके विपक्षी दल है, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी और समाज पार्टी भी, उनको थोड़ा परेशान जरूर कर रही है प्रियंका गांधी। लेकिन कितना कामयाब होगा ये तो 2022 के चुनाव बताएंगे। प्रियंका गांधी, बहुत शुक्रिया खुर्रम इस बातचीत और जानकारी के लिए।